हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। आज का जो अपना वीडियो है आपके जो वर्गीकरण है आपके किस द्रव क्रिस्टल से रिलेटेड, और जिसमें अपन ने अपना जो कल जो प्रीवियस वीडियो था उस प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात की थी कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल है उनको किस तरह से क्या किया गया है, आपकी क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। यहाँ पर इनमें अणुओं की जो व्यवस्था है उसके आधार पर अपन ने कहा था कि ये दो प्रकार के आपके देखने को मिलते हैं, जिसमें एक बताया था आपका सिमेटिक द्रव क्रिस्टल और एक था न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल। जिसमें कल जो अपना प्रीवियस वीडियो है उसमें अपन ने आपका जो सिमेटिक द्रव क्रिस्टल है उससे रिलेटेड अपन ने बात की थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो उसके गुण थे उनकी बात की, और साथ में उनके कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी की। आज का अपना जो वीडियो है उसका जो सेकंड टाइप है जिसको अपन न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल है कहते हैं, आज उसके बारे में अपन है वो पढ़ने वाले हैं। देखिए अपन इसके बारे में अगर बात करें तो जो न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल है उसके लिए आज का अपना जो है न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल, न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल है जो सिमेटिक द्रव क्रिस्टल है उससे थोड़ा सा जो है इसमें क्या है आपकी भिन्न गुणों की जो है आपकी स्थिति रखता है। यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे आपके सिमेटिक द्रव क्रिस्टल में कहा था कि सारे अणु क्या है समानांतर व्यवस्थित होते हैं, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल के जो अणु हैं वो एक दूसरे की क्या है समानांतर नहीं पाए जाते। यानी यहाँ पर जो आपके समानांतर व्यवस्था उसमें देखने को मिली थी वो आपके इस न्यूमेटिक में देखने को नहीं मिलेगी। और साथ में क्या बताया गया, अपन ने कहा था कि वहाँ पर जो है आपके परतें पाई जाती हैं, यानी एक दूसरे के साथ जो परतें हैं वो नियमित दूरी पर व्यवस्थित थी, इस तरह की व्यवस्था न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल में नहीं पाई जाती। और साथ में बात करें कि वहाँ पर अपन ने बात की थी कि ये परतें हैं वो एक दूसरे के जो ऊपर है वो क्या होती है खिसकती हैं या सरकती हैं, तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था आपकी न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल में भी नहीं पाई जाती। न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल में परतें हैं वो सामान्यतः नहीं देखने को मिलती। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो अणु होगा आपका यहाँ पर ये जो न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल का जो अणु होगा ये आपके सामान्यतः जो है अनियमित अवस्था में क्या होता है आपके उपस्थित होता है, इरेगुलर जो व्यवस्था है वो इसमें पाई जाती है। और साथ में बात करें कि इन दोनों की गति जो है कि इसके जो द्रव अणु है इन द्रव अणु की गति जो है सामान्यतः आपको सिमेट्रिक की अपेक्षा ज्यादा स्वतंत्र देखने को मिलती है। जो आपका सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल है इनकी अपेक्षा आपकी जो न्यूमेटिक व्यवस्था है इसमें आपको क्या देखने को मिलती है, जो अणु है उसकी क्या पाई जाती है स्वतंत्र व्यवस्था है वो इसमें ज्यादा देखने को मिलती है न्यूमेटिक व्यवस्था में, जिससे क्या है अणु है वो आसानी से क्या हो जाते हैं आपकी गति करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना है कि वहां पर अपन एक नियमित रूप से मतलब कहा था कि भी एक फिक्स दूरी के बाद दूसरा जो आपका अणु है वो क्या हो रहा है व्यवस्थित होता है, यहाँ पर क्या है अनियमित जो कंडीशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। दूसरी चीज अपन ने यहाँ पर बात की थी कि जो ध्रुवीय प्रकाश है वो क्या करेगा इनकी जो संरचना है उसका अध्ययन करने पर ज्ञात चला कि सामान्यतः ये क्या है सूत्रिल स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें कि जब ध्रुवीय प्रकाश प्रकीर्णन जो आपका देखने को मिलता है इसके अंदर से गुजरेगा तो उसकी उपस्थिति से ये क्या करेगा आपके जो द्रवों की संरचना है कि यहाँ पर इस क्रिस्टल के अंदर जो संरचना है
वो किस तरह से बनाई जाती है, सूत्रीय स्ट्रक्चर है वो इसमें फॉर्म किया जाता है। कि एक तो अपन बात करें कि भाई इसमें जो अणु है अनियमित होता है, अणु की गति है स्मेटिक, जो अवस्था है उसकी अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा निमेटिक में स्वतंत्र अवस्था देखने को मिलती है। साथ में बात करें कि जो दूरी प्रकाश की उपस्थिति होती है तो इनकी अणुओं की जो संरचना है वो किससे होती है, सूत्रिल स्ट्रक्चर है वो निर्माण किया जाता है। अब देखिए इसमें ये चीज किस तरह से देखने को मिलेगी, ये इस तरह से इसमें अनियमित व्यवस्था है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। कि यहाँ पर कोई निश्चित पैटर्न नहीं पाया जाता है इनके अंदर कि अणु है वो किस तरह से व्यवस्थित होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, सभी अणु हैं किसी न किसी विशेष दिशा की ओर क्या होते हैं, निर्देशित होते हैं। इसका मतलब अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं इनमें भी क्या है, विषम देशीयता पाई जाती है, विषम देशीयता इसमें क्या होगी पाई जाएगी। लेकिन यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि जब इन पर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो ये क्या है, विशेष दिशा की ओर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उससे क्या होते हैं आपके प्रभावित होते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है वो यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। तो ये जो आपके स्ट्रक्चर और इसमें जनरल जो गुण है वो इसमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए इनमें अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड इसके जो गुण है कि भी न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल है उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। अब उन गुणों की अपन बात करते हैं। देखिए अगर आपने एरिथमेटिक द्रव क्रिस्टल अगर पढ़ा है तो आपको ज्यादा गुणों के यहाँ पर जो अंतर देखने को नहीं मिलेगा, या फिर कहने की अगर वो याद है तो आप उसके आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन भी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर जो न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल है उसका जो प्रवाह है वो सामान्यतः किस जो सामान्य द्रव है उनकी तुलना में क्या है, जो है उसी के लगभग समान देखने को मिलता है, इस सामान्य द्रवों की तुलना में समान। यानी अपन कहते हैं जो स्मेटिक द्रव है उसकी की तुलना में क्या है, अपेक्षा से जो है अधिक देखने को मिलेगा। पहला गुण क्या बताया कि जो इसमें द्रव का प्रवाह है वही प्रवाह आपके न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल में देखने को मिलता है। यानी अपन कह सकते हैं ये जो है आपका, अपन ने बात की थी स्मेटिक द्रव क्रिस्टल उसकी तुलना में आपके स्मेटिक की तुलना में अधिक सर देखने को मिलता है। क्या होता है ये आपके अधिक जो सरल है वो कंडीशन आपकी न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल में आपको देखने को मिलेगी। साथ में बात करें कि न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल है उसमें जो क्या देखने को मिलेगा, आपकी न्यूटनी प्रवाह देखने को मिलता है। दूसरे गुण की अपन क्या करें बात कि भाई जो आपका न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल है इस न्यूमेटिक क्रिस्टल में आपका क्या देखने को मिलता है, न्यूटनी प्रवाह देखने को मिलता है। जबकि इसके विपरीत गुण आपको देखने को मिलता है कि स्मेटिक के अंदर न्यूटनी प्रवाह है वो आपको देखने को मिलता नहीं है, जो सामान्य क्या है आपके सामान्य द्रव के समान है। सामान्य द्रव की प्रवाह के समान क्या है आपको जो न्यूटनी प्रवाह है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। जो अपन बात करेंगे कि इसमें न्यूमेटिक द्रव है वो न्यूटनी प्रवाह देखने को मिलेगा, और जो ये जो न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल के अंदर न्यूटनी प्रवाह देखने को मिलता है ये सामान्य जो द्रव है उसके कंपेयर में उसके समान ही आपको देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें तीसरी बात, तीसरा गुण है इसमें अपन बात करें श्यानता का। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो श्यानता है वो इन ध्रुवों पर क्या है आपको लागू तो होती है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है
कि उतनी मात्रा में लागू नहीं होती जितनी आपके जो सामान्य द्रव है उसकी है। मतलब यहाँ पर सामान्य द्रव की अपेक्षा है आपको श्यानता है वो क्या है आपको कम देखने को मिलती है कि विषयांता है सामान्य द्रव्य से क्या होगी यहाँ पर अपेक्षा से कम होती है। तो यहाँ पर बात करें कि भाई इसमें जो श्यानता है न्यूमेटिक द्रव्य में आपकी श्यानता तो क्या है होती है लेकिन बात करें सामान्य जो द्रव्य होगा उसकी तुलना में कम होती है कि भी यहाँ पर श्यानता है वो तो देखने को मिलती है लेकिन न्यूमेटिक द्रव्य क्रिस्टल है उसमें कंपेयर टू आपके जो आपका सामान्य द्रव्य होगा उसमें बहुत कम है ये चीज आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें कि भी आपका जो न्यूमेटिक क्रिस्टल है ये सामान्यतः क्या है जो आपका एक्सरे जो आपका विवर्तन है वो भी क्या है इसके द्वारा वो आपके बनाया जाता है। तो अपन बात करें कि आपका जो न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल होगा इसमें आपके क्या पाया जाता है एक्स किरण जो विवर्तन प्रारूप है वो क्या है आपके देखने को मिलता है या इसमें भी पाया जाता है। मतलब इसके समान अगर बात करें कि द्रव क्रिस्टलों के समान ही इसमें भी आपका क्या पाया जाएगा एक्स किरण जो विवर्तन प्रारूप है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो आपको सामान्य द्रवों के लिए भी आपको है जो देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर न्यूमेटिक जो द्रव क्रिस्टल है उसके लिए अपन ने बात की थी कि इसमें विषम देशिकता दर्शाती है तो वही गुण इसमें भी पाया जाता है जो आपका न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल है इसमें क्या पाया जाता है विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। बस इतना अंतर है कि जो सामान्य आपके जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा प्रभावित होगा क्योंकि यहाँ पर विषम देशिकता तो पाई जाती है लेकिन अगर अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है आपका भाई प्रभावित होता है कि भी नेमेटिक द्रव क्रिस्टल है उसमें विषम देशिकता का गुण देखने को मिलता है और उसकी वजह से क्या है जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो उससे क्या होता है प्रभावित होता है कि भी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल है उसमें देखने को मिलता है जबकि सिमेटिक द्रव क्रिस्टल की अगर अपन बात करें तो उसमें ऐसा गुण देखने को नहीं मिलता। ये इसकी एक जो खास बात है वो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर बात करें जो प्रकाश विवर्तन है यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो स्मेटिक द्रव क्रिस्टल में अपने देखा था कि प्रकाश का जो आपके द्रवों के समान जो विवर्तन देखने को मिलता है उसकी जैसा ही प्रकाश का विवर्तन है वो आपकी न्यूमेटिक में देखने को नहीं मिलता। भी आपका अपन ने बात की थी कि जो आपका स्मेटिक द्रव क्रिस्टल है इसमें क्या है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन देखने को मिलता है लेकिन यहां पर जो न्यूमेटिक है उसमें ऐसा द्रव क्रिस्टल में आपको नहीं देखने को मिलेगा कि भी इसमें प्रकाश का विवर्तन है सामान्यतः संभव नहीं है। तो यहाँ पर अपन देखिए कुछ गुणों की अपन ने बात की कि भी इसमें आपके जो लास्ट वाला है कि भी स्मेटिक द्रव क्रिस्टल में प्रकाश का प्रकीर्णन तो है लेकिन आपकी बात करें न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल में तो उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन है वो प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसके अलावा बात करें जो न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल में विषम देशिकता है वो देखने को मिलती है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उससे क्या होता है आपका प्रभावित होता है। इसी तरह से बात की न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल में एक्स किरण जो विवर्तन प्रारूप है वो क्या है आपका प्रदर्शित किया जाता है। देखिए अपन यहाँ पर बात करें जो एक्स किरण विवर्तन प्रारूप है ये आपकी
जो भी द्रव क्रिस्टल है, ठोस है, उन सभी के लिए क्या है, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो एक परमानेंट गुण है जो सभी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें कि जो न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल है उसमें न्यूटनी प्रवाह देखने हमें मिलेगा था। तो यहाँ पर अपन ने बात की कि इसका जस्ट उल्टा गुण आपको स्मेटिक द्रव क्रिस्टल के अंदर है वो देखने को मिला था। और लास्ट इसमें एक शांता वाला देखा था कि न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल में शांता तो होती है लेकिन जो सामान्य द्रव होते हैं उनकी तुलना में आपको ये गुण कम देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर अपन इससे रिलेटेड बात करते हैं, तो अब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन इससे रिलेटेड इसके जो आपके उदाहरण है कि भाई ये किस तरह के उदाहरण है जो इसके द्वारा क्या किए जा सकते हैं, प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन यहाँ पर जो है पदार्थ उसकी संक्रमण अवस्था उसका गलनांक उसकी है जो अपने इसमें उदाहरण के अंदर बात करेंगे। तो पहला उदाहरण आपके दे रखा है एन एजॉक्सी एनिसो, क्या है एन एजॉक्सी एनिसो। अब इसके लिए जो संक्रमण ताप है और एक इतने आपके गलना, देखिए ये दोनों चीजें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं तो बार बार एक्सप्लेन नहीं करना। तो यहां पर ये क्या है आपका 116 सेंटीग्रेड, ये इसका संक्रमण ताप है और एक दूसरी बात करें इसका गलनांक है तो कितना है 135 सेंटीग्रेड। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल की बात करें पेरा एजॉक्सी फेनिटोन, पेरा एजॉक्सी फेनिटोन इसमें ये होता है 137 डिग्री और ये होता है आपका 167, ये आपके पेरा एजॉक्सी फेनिटोन है उसमें देखने को मिलता है। तीसरी बात करें पेरा मेथॉक्सी आपके सीने में अम्ल, सीने में अम्ल इसके लिए बात करें तो इसका जो है संक्रमण ताप 170 सेंटीग्रेड होता है और इसके लिए बात करें 186 है वो क्या पाया जाता है इसका गलनांक है वो आपके पाया जाता है। फोर्थ बात करें फोर्थ है ये आपका एनिसेलिजिन, इसके लिए बात करें तो यहां पर जो है इसका संक्रमण ताप 165 डिग्री होता है और 180 डिग्री इसमें आपका जो गलनांक है वो इसमें इसके लिए देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो लास्ट इसमें दे रखा है डाई एजोन बेंजोन, डाई बेंजोन बेंजी डीन इसके लिए बताया गया है ये जो है 259 सेंटीग्रेड है आपका इसमें देखिए सॉरी इसमें 234 सेंटीग्रेड क्या है इसके लिए संक्रमण ताप है और 260 इसके लिए आपका जो गलनांक है वो देखने को मिलता है। तो ये देखिए ये थे आपके न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल से रिलेटेड आपके एग्जांपल जिसमें आपका एन एजॉक्सी एनिसोल है इसके लिए संक्रमण ताप 160 डिग्री है गलनांक 135 डिग्री। इसी तरह से बात करें पेरा एजॉक्सी फेनिटोन है इसके लिए 137 डिग्री आपका संक्रमण ताप है, 167 डिग्री आपका कितना है गलनांक देखने को मिलता है। फिर बात करें पेरा मेथॉक्सी सिनेमिकम इसके लिए 170 डिग्री आपका संक्रमण ताप है और 186 डिग्री इसके लिए क्या है आपका गलनांक है। इसी तरह से बात करें आपका एनिसेलिन है 165 डिग्री इसका क्या देखने को संक्रमण ताप है और 186 डिग्री इसके लिए आपका क्या है गलनांक है। इसी तरह से बात करें डाइबेंजोन बेंजीडिन तो इसके लिए 234 डिग्री आपका क्या है संक्रमण ताप है और 260 डिग्री इसके लिए गलनांक बिंदु आपको देखने को मिलता है।
तो ये था डियर स्टूडेंट आपके क्लासिफिकेशन ऑफ आपके लिक्विड क्रिस्टल, जिसमें अपन ने दो बात की, एक आपका सिमेटिक दर्व क्रिस्टल है उससे रिलेटेड, और उसका अपने उसकी जनरल इंट्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज देखी। और आज जो अपने अपना वीडियो है इसमें देखा आपकी न्यूमेटिक दर्व क्रिस्टल, उससे रिलेटेड उसकी जनरल प्रॉपर्टी और आपकी जनरल गुण, और फिर उसके बाद में बात की उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात की, और फिर इसमें उसके एग्जाम्पल्स। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना वीडियो था क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, आई होप यू आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बढ़ाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।